नमस्कार। रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम एक कहानी लेकर आज भी हाजिर हूँ। प्राविधिक मित्र रेम्बो गुप्ता के साथ में मैं नूर आलम बादशाह। हर रविवार ठीक इसी समय आप ये प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमें भेज सकते हैं। पता है प्रोग्राम एक कहानी, रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज, सिमरौनगढ़ 12। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं radiobadal@gmail.com। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/radiobadal89megahertz। सुनसान पड़ी सड़क पर सफेद रंग की टैक्सी तेज रफ्तार से चली जा रही थी। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ गाड़ी रुक गई। अंदर से साहिल बाहर निकला। उसने अपनी रेडियम कलाई घड़ी पर नजर डाली। रात के 12:10 हो रहे थे। काली घनी रात थी। सामने ही कब्रिस्तान था। कुछ ही दूर पर कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। माहौल में अजीब तरह की डरावनी कैफियत पैदा हो रही थी। साहिल के चेहरे पर परेशानी और डर के मिले जुले भाव आ जा रहे थे। डिक्की को खोलकर साहिल गाड़ी ठीक करने में लग गया। थोड़ी ही देर में गाड़ी ठीक हो गई। चलो खुदा का शुक्र है, कहकर साहिल गाड़ी में बैठने ही वाला था कि अचानक उसके पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसके जिस्म के सारे रोए अचानक खड़े हो गए। उसे महसूस हुआ कि पीछे कोई है। साहिल बदहवास सा पीछे मुड़ा। अचानक उसकी आंखें फैल गई, हलक सूखने लगा। सामने सफेद कपड़े में लिपटा एक इंसानी साया धीरे धीरे साहिल की ओर बढ़ रहा था। साहिल को समझ नहीं आ रहा था कि ये उसका वहम है जिसे वह इंसानी साय के रूप में देखकर डर रहा है या फिर हकीकत। साहिल कुछ करने की स्थिति में नहीं था, वह सिर्फ जड़ होकर देख रहा था। वह साया धीरे धीरे कब्रिस्तान की ओर चला गया। अचानक साहिल को होश आया और एक पल भी साहिल ने वहां रुकने की हिम्मत नहीं की। बिजली की तेजी से वह गाड़ी में सवार हुआ और तेज रफ्तार से गाड़ी आगे बढ़ा दी। अजीब किस्म के खौफ से साहिल की धड़कनें बेकाबू हो गई। उसके पैर तेजी से एस्केलेटर पर दबते चले गए। कुछ ही देर में वह घर पर था। साहिल यूं तो चक्रधरपुर का रहने वाला था, लेकिन एक दो दिन पहले ही वह यहाँ गोइलखेरा अपने मामा के घर काम के सिलसिले में आया था। उसके मामा रफीक मियाँ काफ़ी पैसे वाले थे। उनके अपने 3-4 ट्रक और 2-3 टैक्सी थी। उसी ने कहा था, बेटा साहिल गोइलखेरा आ जाओ और यहाँ मेरी टैक्सी की देखभाल करो। इसलिए साहिल रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ढोने का काम करता था। अंतिम ट्रेन रात को 11:45 पर थी। दिन की अपेक्षा रात में ही ज़्यादा पैसेंजर और ज़्यादा भाड़ा मिलता था। साहिल गोइलखेरा में नया नया आया था, इसीलिए यहाँ की बहुत सारी चीज़ों से वह अनजान था। खैर एक रात फिर आई। साहिल पैसेंजर ढोकर घर लौट रहा था। कब्रिस्तान फिर नज़दीक आता जा रहा था। साहिल के जहन में कल रात की घटना उभर गई। अचानक उसके पैर जोर से एस्केलेटर पर दबते चले गए। वह वहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहता था। अचानक एक झटके से गाड़ी रुक गई। साहिल की समझ में नहीं आ रहा था कि यह शैतानी हरकत हो रही है या फिर महज इत्तेफाक। वह गाड़ी से उतर चारों तरफ झिंगरों के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक मौसम ने खराब होने का संकेत दिया। रह रहकर बादल गरज रहे थे। साहिल जल्दी जल्दी डिक्की खोलकर गाड़ी को देखने लगा। अचानक के कुत्ते के रोने की आवाज़ ने उसके जिस्म में सिरहन सी भर दी। उसकी रोने की आवाज़ में अजीब किस्म की मनहूसियत थी। अचानक साहिल की आंखें फैलकर मजबूर हो गई। वह साया फिर उसकी हरकत करते हुए दिखा। साहिल ठीक कब्रिस्तान के गेट के सामने खड़ा था। उसे महसूस हुआ वह दौड़कर भाग जाए, पर अचानक उसे लगा वह उस साये की ओर मुतासिर हो रहा है। उसके कदम न चाहते हुए भी उस साये की ओर बढ़ना चाह रहे थे। साहिल संभला। उसने खुदा को याद कर 2-3 सूरा पढ़ी और अपने ऊपर दम कर लिया। वह साया धीरे धीरे चलते हुए ठीक कब्रिस्तान के गेट के सामने ठिटक गया। साहिल का पूरा जिस्म पसीने में नहा गया। अचानक बिजली कड़की।
पहली बार वह साया साहिल को साफ नजर आया। वह साया किसी लड़की का था, लंबे खुले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, सफ़ेद लिबासों में लिपटी इंसानी जिस्म, दुपट्टा जमीन पर फैला हुआ था। साहिल की नज़र उस लड़की की नज़रों से टकरा रही थी। उस लड़की की आंखों में कोई हरकत नहीं थी। उसने साहिल को ऐसी नज़रों से देखा जैसे वह साहिल को देख ही नहीं रही हो। वह धीरे धीरे चलते हुए कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगी। अचानक साहिल को लगा वह उस लड़की की कशिश में बहता चला जा रहा है। उसके कदम खुद ब खुद उस लड़की के पीछे बढ़ने लगे। वह लड़की धीरे धीरे चलते हुए कब्र के सामने जाकर बैठ गई। उस लड़की का चेहरा बार बार बिजलियों के चमक से साहिल को साफ नजर आ रहा था। वह हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके चेहरे में अजीब किस्म की सादगी और नूर था। अचानक उस लड़की की आंखों में हरकत हुई। उसकी आंखों में आंसू निकलकर कब्र के भिगोने लगे। साहिल की आंखों में हैरत हावी होने लगी। अचानक कब्रिस्तान में मौजूद एक कुत्ते के जोर से रोने की आवाज़ से साहिल का दिल धक से कर गया। धड़कनों ने रफ्तार पकड़ ली। डर और हैरत की अधिकता से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। साहिल के होश हवास होने लगे। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया। उस पर बेहोशी का आलम छाता गया। अल्लाह अकबर की आवाज़ के साथ ही साहिल का दिमाग हरकत में आया। फजर की अजान हो रही थी, हल्की हल्की बूंद बांदी भी हो रही थी। अचानक वह उठकर बैठा। चारों तरफ नजरें दौड़ाई, कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। एक ही पल में रात का वाक्या उसे जहन में कौंध गया। वह सारी रात वहीं पड़ा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरा वहम है या शैतानी हरकत या फिर हकीकत। उसके सर में तेज दर्द हो रहा था। कब्रिस्तान से बाहर निकलकर देखा, उसकी गाड़ी अपनी जगह पर खड़ी थी। साहिल भारी मन से गाड़ी स्टार्ट कर घर पहुंचा। घर पर रफीक मियाँ उसे डांटते हुए कह रहे थे, रात भर कहाँ लगा दी, घर भी नहीं पहुँचे, अभी आ रहे हो। साहिल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें। नहीं मामूजान, बात यह है कि मैं रेलवे स्टेशन में ही रात को ठहर गया था। क्यों ठहर गए थे, अपना घर होते हुए भी? हाँ, आज के बाद आइंदा कभी ऐसा नहीं करोगे, समझ गए? रफीक मियाँ उसे समझा रहे थे। और कल तुम काम पर भी नहीं जाओगे, दिन भर आराम करोगे। ठीक है मामूजान, कहकर साहिल ने अपना पीछा छुड़ाया। दिन भर उस रहस्यमयी लड़की की कशिश का कारवां साहिल के जहन में चलता रहा। धीरे धीरे रात के अंधेरों ने दिन के उजाले को अपनी आगोश में ले लिया। साहिल बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। न जाने वो कौन सा ताकत थी जो उसे कब्रिस्तान की ओर बुला रही थी। आखिर कौन थी वो? क्या वो किसी की अतृप्त आत्मा थी, या कोई जिंदा लड़की, या फिर मेरा वहम? रह रहकर न जाने कितने सवाल साहिल के दिमाग में कौंध रहे थे। अचानक एक झटके से वो उठा। नहीं, मुझे वहाँ जाना ही होगा, मुझे इन सवालों का पता लगाना ही होगा। रात के 12 बज रहे थे। साहिल कब्रिस्तान में था। दूर दूर तक कोई भी नहीं था, सिर्फ चमगाड़ों का झुंड उड़ उड़ कर माहौल में अपने मालिकाना हक को दर्शा रहे थे। बेचैनी और बेताबी की आलम में साहिल सिगरेट के कस पर कस लगाए जा रहा था। रात के 1 बजे अचानक 2-3 कुत्तों के आपस में लड़ने की आवाज़ें आने लगी। साहिल उसे भगाने के लिए पत्थर उठाने ही वाला था कि अचानक गेट के सामने वह लड़की उसे दिखाई दी। उसके लंबे खुले बाल कमर को छू रहे थे, लिबास का कुछ हिस्सा जमीन पर घिसट रहा था। साहिल अचानक जड़ हो गया। वह लड़की धीरे धीरे चलते हुए एक कब्र के पास गई। तड़प और मोहब्बत भरी निगाहों से उसने कब्र को देखा। उसके सुर्ख होंठ हरकत में आया। अख्तर, अख्तर उठो अख्तर, देखो तुम्हारी रानी तुमसे मिलने आई है, उसने दर्द आवाज़ में कहा। साहिल इस अजीब हरकत को भक होकर देख रहा था। वह लड़की कब्र के सिरहाने बैठकर कह रही थी, उठो अख्तर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अख्तर, अब जुदाई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आखिर कब तक अपनी रानी को तड़पाओगे? तुम ही तो हो, तुम ही तो कहा करते थे अख्तर, तुम मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तुम ही तो कहते थे कि तुम मेरे बिना एक पल भी चैन से सो नहीं सकते, तो फिर ये दूरी क्यों है अख्तर? कहते कहते उस लड़की की आंखों में आंसू जारी हो गए जो उस कब्र को भिगोने लगे। क्या तेरा यही प्यार है अख्तर कि तेरी रानी तेरे सामने है और तू उससे मिल भी नहीं रहा है? क्या यही तेरी वफा है? आखिर क्यों मुझे तड़पा रहे हो? कहते कहते उसके अल्फाज सिसकियों में तब्दील हो गए। साहिल उसे रोता हुआ देख रहा था।
उसके रोने और सिसकने से माहौल में अजीब फिजा कायम हो रही थी। अचानक उस कदमों की आवाज ने साहिल को चौंका दिया। पीछे से 3-4 आदमी आ रहे थे। आते ही उन्होंने उस लड़की को जकड़ लिया। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे अख्तर के पास जाना है, वो लड़की बेतहाशा चीख रही थी। उसकी आवाज में दर्द और तड़प साफ नजर आ रहा था। साहिल को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक एक शख्स ने उससे कहा, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। वह सब लोग उस लड़की को जबरदस्ती घसीटते हुए ले गए। उस लड़की की चीख फिजा में गूंजती रही। साहिल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। साहिल अगले रोज दिन में ही कब्रिस्तान गया। देखा वहाँ रात वाला शख्स कब्र खोद रहा था। उसके सामने जाकर उससे सलाम किया, कौन हो तुम, उसने सलाम का जवाब देते हुए कहा, और रात को तुम यहाँ क्या कर रहे थे। साहिल ने अपने साथ हुए सारे वाकयात उसे सुना दिए। फिर पूछा, आप कौन है और ये सब माजरा क्या है। उसने गमछे से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, बैठो बेटा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। मेरा नाम मुनव्वर हुसैन है, मैं यहाँ कब्र खोदता हूँ, और मेरी बेटी रानी तसबुन थी जो अब पागल हो गई है। कुदरत ने हमारे परिवार के साथ बहुत बुरा मजाक किया है। कितना खुश था मैं जिस दिन रानी का जन्म हुआ था। इस गरीब के घर वो खुशियों का पैगाम लेकर आई थी। अल्लाह पाक ने उसे खूबसूरती दी थी। मैं और उसकी अम्मी काफ़ी खुश थे कि अल्लाह पाक ने इस गरीब के घर में इस नन्ही परी का जन्म दिया है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया था इसे खूब पढ़ाएंगे और कामयाब बनाएंगे। मैं कब्र खोद खोद कर और उसकी अम्मी दूसरों के कपड़े सी सी कर कढ़ाई बुनाई करके उसे पढ़ा रहे थे। वो कॉलेज पहुंच गई थी। अचानक उसकी ज़िंदगी में अख्तर आ गया। अख्तर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। वो दीवानगी की हद तक उसे चाहने लगा। जब तक वो उसे देख नहीं लेता वो चैन से सांस भी नहीं लेता था। इसमें अख्तर का कोई दोष नहीं था, मेरी बेटी ही इतनी खूबसूरत, कोई भी एक झलक में उसका दीवाना हो जाता था। पर मेरी बेटी रानी को अख्तर से प्यार नहीं था, उसे अपने करियर से प्यार था। वो जानती थी उसके अम्मी अबू कितनी मुश्किल से उसे पढ़ा लिखा रहे थे, पर अख्तर की चाहत में कोई कमी नहीं हुई। रानी उसकी ज़िंदगी बन गई थी। रानी को वह अपने मकसद हयात मानता था। एक दिन कॉलेज में स्टूडेंट का पिकनिक जाने का प्रोग्राम बना। सभी पिकनिक की मस्ती में मस्त थे। अचानक अख्तर मौका देखकर रानी का हाथ पकड़कर बोला, रानी आखिर कब तक तुम मुझे तड़पाओगी, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, छोड़ो मेरे हाथ। रानी का लहजा सख्त हो गया। ये क्या तुम प्यार प्यार की रट लगाए बैठे हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ऐसा मत कहो रानी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, मर जाऊंगा तो मर जाओ, रानी मजाक वाले अंदाज में बोली। अख्तर भावनाओं में बहते हुए बोला, रानी तुम मेरी सांसों में बसती हो, मेरी रंगों में सिर्फ तेरी मोहब्बत दौड़ती है, मेरी हर धड़कन सिर्फ तेरी मोहब्बत में धड़कती है, तुम मेरी मंजिल है रानी, तुझे पाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मेरी हर खुशी तुझसे शुरू होती है और तुझी पर ख़त्म होती है, और ऐसी ज़िंदगी मुझे मंजूर नहीं जिसमें तुम नहीं, तुम हो तो मेरी सांसें चल रही है, तुम नहीं तो ये ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं, जिस दिन ज़िंदगी में तुम नहीं तो उस ज़िंदगी से बेहतर मौत है। रानी अख्तर के दिल से निकले अल्फाजों को सुन रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि अख्तर की बातों में सच्चाई है और उसके प्यार में पवित्रता है, और वह उसे बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई। अख्तर मेरी बेटी की बातों से काफ़ी दुखी हो गया था, वो मेरी बेटी रानी के बिना जीना ही नहीं चाह रहा था। खैर पिकनिक से सभी वापस आ रहे थे। अख्तर बस के एक कोने में गुमसुम बैठा हुआ था। रानी की नज़रें बार बार अख्तर से टकरा रही थी। रानी को महसूस हो रहा था अख्तर की खामोश निगाहें भी उसे कुछ कह रही थी। रानी के दिल में भी एक नन्हा सा बीज जन्म ले चुका था। बस अपनी पूरी रफ्तार से घाटी से उतर रही थी कि अचानक बस अनियंत्रित होकर गिर गई। चारों तरफ चीख पुकार का आलम था। जैसे तैसे सभी को अस्पताल लाया गया। अख्तर होश में आते ही बोला, रानी कैसी है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। डॉक्टर की इस जुल्मे ने अख्तर के जहन में भूचाल ला दिया। वो बदहवास सा उठता हुआ बोला, क्या उसके सीने में चोट लगी है, उसका दिल क्षतिग्रस्त हो गया है। डॉक्टर की इस बात ने अख्तर के जहन में तूफान ला दिया। इतना कहकर मुनव्वर हुसैन कुछ देर के लिए रुके और अपनी आंखों से निकलते आंसुओं को पोछने लगा।
साहिल एकटक उसकी बातों को सुन रहा था। फिर क्या हुआ अंकल, साहिल ने पूछा। फिर मेरी बेटी बच गई और अख्तर मौत की आगोश में चला गया, लेकिन यह मौत उसने खुद चुनी थी। उसने अपना दिल रानी को डोनेट कर दिया था और खुद मौत के गले लगा लिया। रानी के बगैर जीना उसे मंजूर नहीं था। जब रानी को इस बात का पता चला कि उसे ज़िंदगी देने वाला हमेशा की नींद से सो गया, तो वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो अख्तर के पागल प्यार में खुद भी पागल हो गई। वो चारों ओर अख्तर को ढूंढने लगी। उसे जब पता चला कि अख्तर यहाँ दफन है, तो रातों को भाग भाग कर उसे मिलने आ जाती है। वो मानने को तैयार ही नहीं कि अख्तर अब कभी नहीं आएगा। कहते कहते मुनव्वर हुसैन रोने लगा, कितना बदनसीब हूँ मैं, जिस बेटी की खुशी के लिए कब्रें खोद खोद कर मैं हर चीज़ जुटाता था, उन्हीं हाथों से मैंने अपनी बेटी की सबसे बड़ी खुशी अख्तर की कब्र खोदी है। और तो और, बेटी के पागल होने के गम में उसकी अम्मी भी चल बसी, उसकी कब्र भी मैंने ही इन्हीं हाथों से खोदी है। पता नहीं ऊपर वाले ने हमारे परिवार की कैसी तकदीर लिखी है। मैं अपनी बेटी पर कितना पहरा लगाता हूँ, फिर भी वो रातों को भाग भाग कर कब्रिस्तान आ जाती है अपने अख्तर से मिलने। समझ में नहीं आता इस पागल लड़की का भविष्य क्या होगा। सब ठीक हो जाएगा अंकल, खुदा पर भरोसा रखिए, साहिल उसे दिलासा देता हुआ बोला। क्या ठीक होगा बेटा, कौन करेगा मेरी बेटी से शादी? मैं करूँगा अंकल, साहिल गंभीरता से बोला। क्या कह रहा है बेटा तू? मुनव्वर हुसैन की लचार आंखों में उम्मीद की किरण नजर आने लगी। उसने साहिल को गले लगा लिया। अंकल, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कल शाम अपने मामा मामी को लेकर आपके घर आऊँ निकाह की बात करने। ठीक है बेटा, मैं कल शाम तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। इतना कहकर दोनों अलग हो गए। अगले दिन शाम को साहिल अपने परिवार वालों के साथ मुनव्वर हुसैन के घर में था। साहिल के मामू जान रफीक मियाँ चाय पीते हुए कह रहे थे, निकाह की रस्म इस जुमे को सादगी से पूरी हो जाएगी, हमें आपकी बेटी पसंद है। जब रानी को इस बात का पता चला तो चीखते हुए बोली, अब्बा ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं अख्तर से बेवफाई नहीं कर सकती। तुम समझने की कोशिश करो बेटी, अख्तर अब कभी वापस नहीं आएगा, वो मर चुका है, उसका अस्तित्व मिट चुका है। नहीं नहीं, इतना कहते हुए रानी दौड़ती हुई फिर कब्रिस्तान की तरफ भागने लगी। सभी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। कब्र के पास पहुंचकर वो बिलखते हुए बोली, उठो अख्तर, उठो, आखिर कब तक मुझे तड़पाओगे? देखो तुम्हारी रानी को कितना परेशान किया जा रहा है, मेरी शादी किसी और से की जा रही है, क्या तुम बर्दाश्त कर सकते हो अख्तर कि तुम्हारी रानी की शादी किसी और से हो? आ जाओ अख्तर, अबू कहते हैं कि तुम्हारा अस्तित्व मिट चुका है, तो फिर क्यों तुम्हारा प्यारा अमानत बनकर मेरे सीने में धड़क रहा है? ये दुनिया वाले पागल हैं अख्तर, मैं जानती हूँ अख्तर, तुम यही कहीं हो, तुम अपने रानी को छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। हमारा प्यार इतना कमज़ोर नहीं कि दुनिया हमें अलग कर सके, सिर्फ दुनिया वालों की नज़रों में तुम मिट्टी के नीचे हो और मैं मिट्टी के ऊपर। आज मिट्टी के इस फासले को भी मिटा दो अख्तर, मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं जी सकती। इतना कहते कहते रानी ज़ोर से अपने सीने को पकड़ कर चीखा, उसके मुंह से खून आ गया, शायद उसका दिल फट चुका था, उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। साहिल रोता बिलखता रानी के सामने पहुंचा। खुदा ये क्या हो गया? रानी के परिवार वालों की आंखों से भी आंसू जारी थे, पर साहिल रानी को देख रहा था। मरने के बाद भी रानी के लबों पर मुस्कुराहट थी, शायद वो अपने अख्तर के पास जा चुकी थी हमेशा हमेशा के लिए, कभी न बिछड़ने के लिए। दूसरे दिन जोहर के नमाज के बाद रानी की मिट्टी थी, अख्तर के बगल में ही उसे दफनाया गया। सभी कब्रिस्तान से जा चुके थे, सिर्फ साहिल भारी मन से उन दोनों की कब्रों को देख रहा था। उन दोनों को प्यार अमर हो चुका था। अचानक साहिल को कुछ ख्याल आया, उसने प्यार का प्रतीक लाल गुलाब का पौधा लगाकर उनकी कब्रों के ऊपर लगा दिया। कुछ दिनों के बाद साहिल फिर कब्रिस्तान गया, देखा वहाँ एक लाल गुलाब खिल चुका है जो मुस्कुराते हुए दुनिया वालों से कह रहा था, यहाँ दफन है।